आंखों में आंसू और चेहरे पर गम। सीमा हैदर की जुदाई में अब गुलाम हैदर का हाल कुछ ऐसा हो चुका है। गुलाम हैदर भारत की सरकार से लगातार मिन्नतें कर रहा है और कहता है कि उनके बीवी बच्चों को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। गुलाम हैदर सऊदी अरब में रहकर के नौकरी करता है, पिछले 4 सालों से लगातार वहीं है। गुलाम हैदर लगातार यही कहता है कि वो सीमा हैदर को माफ करने के लिए तैयार है, बस वो पाकिस्तान वापस लौट आए। लेकिन सीमा हैदर यहाँ पर दोबारा पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। सीमा हैदर का कहना है कि गुलाम हैदर से उसका तलाक हो चुका है, लेकिन गुलाम हैदर का मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब यहाँ जहाँ सीमा हैदर और गुलाम हैदर लगातार आपसी विवाद के कारण चर्चाओं में आ रहे हैं, तो सवाल अब बच्चों का है। अगर गुलाम हैदर पाकिस्तान में जाकर कोर्ट से मदद मांगता है तो सवाल ये उठेगा कि आखिर बच्चे किसके हिस्से जाएंगे? क्या भारतीय सरकार गुलाम हैदर के बच्चों को वापस लौटाएगा, या फिर भारतीय सरकार ये फैसला लेगी कि पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत में ही सीमा हैदर को नागरिकता दी जाएगी? ये सवाल काफ़ी ज़्यादा अहम है। यहाँ लगातार जांच एजेंसियाँ सीमा हैदर पर नज़र बनाए हुए हैं, तो वहीं अब गुलाम ने कहा कि पता नहीं उसे कैसा लग रहा है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, वो किस तरीके का फील इस वक्त कर रहा है। गुलाम हैदर लगातार मांग कर रहा है कि उसे बस सीमा हैदर चाहिए। हाल में ही गुलाम हैदर से सवाल पूछा गया था कि भारत में सीमा एक्टिंग करने वाली है, ऐसे में गुलाम हैदर का कहना था कि वो केवल वहाँ एक्टिंग करने के लिए ही गई है, वो केवल फेमस होना चाहती है। उसके बाद गुलाम हैदर का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें गुलाम हैदर के चेहरे पर उदासी और आंखों में नमी नजर आ रही है। गुलाम हैदर ने इस वीडियो के जरिए शायरी डाली थी और सीमा हैदर के बारे में बात की। गुलाम हैदर का कहना है कि वो आज भी सीमा हैदर से उतना ही प्यार करता है जितना वो पहले करता था, और उसे बच्चों की बहुत याद आ रही है। इसी के साथ उसने ये भी कहा कि अगर सीमा को पाकिस्तान आने से डर लग रहा है तो वो उसके पास सऊदी अरब में वहाँ रुक सकती है। बता दें कि फिलहाल सीमा और सचिन इन दिनों अपनी फिल्म को लेकर के खूब ज़्यादा चर्चाओं में चल रहे हैं। अब देखना ये है कि इस वीडियो के सामने आने के बाद सीमा हैदर किस तरीके की प्रतिक्रिया देती है, और क्या गुलाम हैदर के पास वापस सीमा जाने का फैसला लेगी।